lessons, discipleship training, equipping the universal church with sound doctrine. एक ही टॉपिक जिसको लेके चल रहा हूं चार दिन से, आज का चौथा दिन पकड़ के, और वो टॉपिक है महान आज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट कमीशन. जी हां, यीशु की इस पृथ्वी पर आखिरी आदेश, और वो था गो टू द नेशंस, प्रीच द गॉस्पल, मेक डिसाइपल, बैप्टाइज देम इन द फादर सन होली स्पिरिट नेम एंड टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड. तो इस जिसको कहते हैं ना कि जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, ऐसी आदेश यीशु ने, जिसको हम प्यार करते हैं, उन्होंने दी थी, और जिसको लेकर आज 21वीं सदी खुशी है मुझे, खास करके डैनियल राज को, कि मेरी आंख खुल गई. 25 साल 28 साल की मिनिस्ट्री में 20 साल मैंने खूब गाने गाए, मैंने खूब एंजॉय किया, मैंने खूब टाइम पास किया, लेकिन आंख खुली कुछ 7-8 साल पहले 2014 में, तब से लेके अब तक परमेश्वर के इस मिशन को लेके आपके बीच में काम कर रहा हूं. मुझे कौन नहीं जानता, मुंबई जानता है, भारत जानता है, अदर कंट्रीज के कुछ कंट्रीज है वो जानते हैं, और वो सब जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मेरी सेविकाई को बदला है. साथ ही साथ जितने मिनिस्टर्स हैं भारत के, बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे तक जानते हैं कि डैनियल राज कौन है और कैसे डैनियल राज की मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया. ऐसी ही अपेक्षा, बदलाव आपके लिए भी चाहूंगा आज समाप्ति तक, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर को ऐसे योद्धा, सिपाही, ऐसे वर्कर्स, और जिसको कहते हैं ना उसके विनियार्ड में, मतलब उसके हार्वेस्ट में काम करने वाले वर्कर तैयार हो, इस उम्मीद के साथ बातों को आगे बढ़ाऊंगा. जी, आशा करता हूं आप लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं, और आप लोग टीचिंग के लिए तैयार हैं. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यीशु की एकलीसिया, जिसको कहते हैं हिंदी में कलीसिया, इंग्लिश में चर्च, तो यीशु की एकलीसिया को लेकर आपको एक बात समझनी होगी कि सिर्फ दुनिया को बचाना एकलीसिया का मकसद नहीं है. जी, इसका मतलब क्या है, दुनिया को बचाना है, यह तो 100% सही बात है, लेकिन सिर्फ दुनिया को बचाना यह मकसद नहीं है. इसको कलीसिया को, एकलीसिया को समझना जरूरी है. यह बात आपके बीच में पहले रख रहा हूं. तो पास्टर डैनियल, क्या है मकसद, वो मकसद क्या है, आपके बीच में रखूंगा. लिखा है, बल्कि खुद को यीशु की तरह तैयार करना एकलीसिया का मकसद है. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. तो फिर से रख देता हूं, क्योंकि टीचिंग है, बहुत जरूरी है. तो एकलीसिया, यीशु की एकलीसिया को लेकर आपको यह बात समझनी होगी कि सिर्फ दुनिया को बचाना एकलीसिया का मकसद नहीं है, बल्कि खुद को यीशु की तरह तैयार करना एकलीसिया का मकसद है. पास्टर डैनियल कैसे बोल सकते हैं, गलतियों 4:19, द बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 4:19, लिखा है, मेरे बालको, लिखा है, पौलुस कहता है, मेरे बालको, जब तक तुम में, लिखा है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए. अब आप देख लीजिएगा, मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लेबर पेन. मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है कि जिसको मैंने सींचा, जिसको मैंने संवारा. पौलुस कहता है, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे क्या कहते हैं, सुसमाचार सुनाए हुए मेरे बच्चे हो. मैं देखना चाहता हूं कि तुम में मसीह का रूप बन जाए. अब इसको देखो, कुलुसियों की किताब को लिखते वक्त में पौलुस 3:3-4 में क्या कह गया, देखिएगा. लिखता है, क्योंकि तुम तो मर गए. किस दिन मर गए, जब हम यीशु को अपनाते हैं उस दिन मर जाते हैं. तो लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है. छिपा हुआ, क्या बात है. और लिखा है कि तुम्हारा जीवन मसीह के साथ
परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब इसको देखिए, जो जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो इसका मतलब है कि कलीसिया को यह समझना होगा। थैंक यू पास्टर जी रमन साहब और मिसेस रमन जी। लिखा है तुमको, हमको, कलीसिया को समझना होगा कि हम यीशु की महिमा है। यीशु कहता है कि तुमको मैं अपनी महिमा दूंगा और तुम परमेश्वर में छिपे हो, और जिस दिन यीशु प्रकट होगा, गेट रेडी, उस दिन कलीसिया भी महिमा के साथ प्रकट होगी। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो इसका मतलब वापस रखना होगा इसका मतलब यीशु की एकलीसिया को समझना होगा एक बात कि सिर्फ दुनिया को बचाना एकलीसिया का मकसद नहीं है, बल्कि खुद को यीशु की तरह तैयार करना एकलीसिया का मकसद है। और कहता है मसीह का रूप ना बन जाए, मुझे पीड़ा होती है। और फिर यहां कहता है कि हम परमेश्वर के अंदर छिपे हुए हैं, और जिस दिन मसीह प्रकट होगा, हम भी मसीह की महिमा में प्रकट होंगे। ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद। कम से कम 700 लोग अभी लाइव आ चुके हैं, बेहद खुशी है। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। नाउ अभी इसको देखिए, ये है आपका पृथ्वी, ये है आपकी दुनिया, ये है 790 करोड़, ये है भारत, ये है अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है विश्व का कोना कोना, जो मैंने कोशिश करी आपके बीच में कुछ इस प्रकार से रख सकूं। लिखा है इसीलिए पूरी दुनिया से यीशु को अपनी एकलीसिया चाहिए, पूरी दुनिया से। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, कुल, भाषा, लोग, जाति, ये सब परमेश्वर में छिपे हुए हैं। लिखा है परमेश्वर में छिपे हुए हैं, इनको प्रकट करना है, इनको बाहर लाना है, इनको यीशु में सवारना है, इनको यीशु की दुल्हन बनाना है, इनको यीशु की एकलीसिया बनाना है। तो जिसके चलते आत्मा बचाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि बचाए हुए को यीशु की दुल्हन बनाना, और पूरी दुनिया में एकलीसिया चाहिए। लिखा है ना, इसलिए पूरी दुनिया से यीशु को अपनी एकलीसिया चाहिए। कैसा लग रहा है? अभी इसी कड़ी में आगे बढ़ूंगा, इसी पे फोकस करूंगा, इसी पे जोर होगा जब तक ये चल रहा है। पॉइंट टू पॉइंट आपके बीच में बात करूंगा। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं ये स्लाइड्स आप लोगों के लिए बना पाया। बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आप लोगों के लिए बना पाया। इसलिए लिखा है, इसलिए दुनिया भर के लोगों को, ध्यान दीजिएगा, एकलीसिया बनाना होगा दुनिया भर के लोगों को एकलीसिया बनाना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर में छुपे हुए हैं और एक दिन मसीह में प्रकट होंगे, और वो भी कैसे? महिमा के साथ, विद द ग्लोरी, परमेश्वर की बड़ी शान के साथ में ये प्रकट होंगे। इसलिए यीशु ने इफिसियों 4:11-12 में की बातें, ऐसी कुछ बातें एकलीसिया में रखी। यीशु ने इफिसियों 4:11-12 की बातें एकलीसिया में रखी। कौन सी बातें रखी पास्टर? रख रहा हूं। लिखा है उसने, किसने? यीशु ने। उसने कितनों को प्रेरित करके नियुक्त किया, प्रेरित करके, नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। याद रखो, दे दिया। कहां दे दिया? या संसार में दे दिया, पूरी दुनिया में दे दिया। मैं अक्सर कह रहा हूं, जब से डीटी चल रहा है, मैं अक्सर कह रहा हूं कि परमेश्वर हमारा सुप्रीम है, परमेश्वर हमारा राजा है, उसका एक राज्य है। इसलिए तो लिखा है ना यशायाह 9:6 में कि उसके कांधे पे प्रभुता है, गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। तो ये पृथ्वी पे उसका एक राज्य है। आप और मैं जो अभी बैठे हैं, सुन रहे मसीह के जो लोग हैं, हम उसके कैबिनेट हैं, हम उसके सरकार के अधिकारी हैं। तो परमेश्वर ने अपनी
प्रजा को, अपनी सरकार को, अपने कैबिनेट को यह हक दिया है कि पूरी दुनिया से, याद रखो पूरी दुनिया से, मुझे गुस्सा भी है कि पता नहीं क्यों इतने सालों से जब से मैं मसीह बना ऐसी टीचिंग मसीहत में क्यों नहीं दी जा रही है। मुझे दुख है इस बात का, लेकिन खुशी भी है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ये बातें मुझ पर प्रकट करी और आपके बीच में मैं लाने में विश्वास योग्यता के साथ काम करूंगा। तो जिसके चलते परमेश्वर कहता है कि उसने दे दिया, किसको दे दिया? 5 तरह के लोगों को, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले, उपदेशक। ये 5 उंगली हमेशा याद रखिएगा। तो लिखा है कि उसने, किसने? यीशु ने कितनों को, ऐसा नहीं लिखा कुछ को, लिखा है कितनों को, इंग्लिश में लिखा है मैनी मैनी मैनी, बहुत। तो ऐसा क्यों, उसके पीछे वजह क्या है? तो लिखा है, अब देख लीजिएगा इसी का 12, लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह मसीह की देह उन्नति पाए, उन्नति पाए। लिखा है उन्नति, बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड बी एडिफाई, इंग्लिश में लिखता है। तो इसका मतलब है कि इस पृथ्वी पे तो लिखा है कलिसिया को, माफ करें, नियुक्त करके दे दिया। तो प्रश्न है कहां नियुक्त किया? पूरे संसार के एकलिसिया में, पूरे संसार के एकलिसिया में। आज मेरा मैसेज थोड़ा डिफरेंट है, मैसेज मतलब टीचिंग, आज मेरी बातें थोड़ी डिफरेंट होंगी, मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा हार्श मतलब रफ होगा। वो इसलिए है क्योंकि ये जो स्लाइड है आज आखिरी एपिसोड है और मुझे हाथ में डंडा उठाना ही होगा, क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद अगर आप ताली बजाकर, पास्टर डैनियल बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसे बोल के फिर वापस वही रूटीन वही जिंदगी, तो फिर खत्म। तो जिसके चलते मैं अभी से बता दूं कि मैं आज थोड़ा सा अलग पेश आऊंगा और जिसके चलते मेरी जो शब्द है वो थोड़ा सख्त होगी, बर्दाश्त करिएगा। तो लिखता है कि कहां नियुक्त किया? पूरे संसार के एकलिसिया में, पूरे संसार के। अब प्रश्न उठता है रमन साहब, प्रश्न उठता है नेतन साहब, प्रश्न उठता है रेखा जी कि कहां से मिलेंगे ये लोग, कहां से मिलेंगे ये लोग, कौन से लोग जिनको नियुक्त किया है, कहां से मिलेंगे जिनको आप कहते हैं प्रेरित, आप कहते हैं भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले और उपदेशक, जिसको आप लोग कहते हो। प्रश्न है कहां से मिलेंगे? तो इसका जवाब है इसी दुनिया से, इसी दुनिया से। प्रॉफिट ऊपर से नहीं टपकेगा, मेरी भाषा को बर्दाश्त करिए, ना ही प्रेरित ऊपर से माइकल गैब्रियल नीचे लाके छोड़ेंगे। आपको यहीं से पैदा करने हैं, आपको यहीं से तैयार करने हैं। आप अगर मुझे बाइबल टीचर कहते हो, मैं अगर आप मुझे कहते हो पास्टर डैनियल आप बाइबल टीचर हैं, आप अच्छा सिखाते हैं, तो 5 प्रकार की मिनिस्ट्री में मैं अगर आखिरी वाला उंगली हूं जिसको कहते हैं शिक्षक या उपदेशक या टीचर, तो कहां था ये डैनियल राज 28 साल पहले? इसी दुनिया में, इसी दुनिया में। क्या कर रहा था 28 साल पहले? नशा, शराब, चोरी, गंदगी, बुराई की बातें। लेकिन मुझे किसी ने आकर मुझे वचन सुनाया, मेरी जिंदगी बदली और फिर उसके बाद में मैं समझ पाया कुछ 7-8 सालों से कि मुझे भी इस दुनिया में परमेश्वर के लिए प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले और उपदेशक तैयार कर मसीह की देह की उन्नति का कारण बनना है। वाह, सही। तो लिखा है कहां से आएंगे ये लोग, कहां से आएंगे प्रेरित, कहां से आएंगे भविष्यवक्ता, कहां से आएंगे सुसमाचारक, रखवाले, उपदेशक? इसी दुनिया से, इसी दुनिया से, इसी दुनिया से। पत्रस यीशु को कहां मिला? इसी दुनिया से। आपका पौलुस यीशु को कहां मिला? इसी दुनिया से। बाकी जितने भी आज दुनिया में सेवक कहलाए जाते हैं वे भी कहां से मिले? इसी दुनिया से, इसी दुनिया से। आप विदेश के अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजेलिस्ट, पास्टर, टीचर
इसी दुनिया से, आप देसी पास्टर एवेंजेलिस्ट बाइबल टीचर प्रॉफिट इसी दुनिया से, आप छोटे देश के बड़े देश के अमीर के गरीब के, आप उच्च जाति पिछड़ी जाति कहीं के भी हैं, परमेश्वर ने आपको इसी दुनिया से निकाला। पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी था, मुझ पापी पर दया हुई और मुझे परमेश्वर ने अपना प्रेरित बनाया। उसको किसी ने गॉस्पल सुनाया था, कोई गया था उसके पास, कोई किसी ने भेजा उसको कि जाकर परमेश्वर का काम करो, जिसके चलते आज हम देखते हैं कि पौलुस की मिनिस्ट्री का अद्भुत मिनिस्ट्री आज हम देख पा रहे हैं। कैसा लग रहा है? जितने फेसबुक पर हैं 300 के आसपास, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी हो सकता है तादाद में शेयर करिए, अभी करिए, अभी करिए। कम से कम 900 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, अभी शेयर करिए जी। आज का मैसेज मिस नहीं करना, जितना हो सकता है बांटिए। जितने जूम के लोग हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको अभी परसों से, मतलब मंडे के बाद से, परसों कल सैटरडे, परसों संडे, उसके बाद मंडे है, मंडे के बाद कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, खूब वीडियो बनाओ, खुद की वीडियो बनाओ। आपके पास टाइम है तो मेरी वीडियोस को शेयर करो, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, सब जगह डालो और खरी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचे। तो मैं कह रहा था कहां से आएंगे ये लोग, वापस रख रहा हूं, कहां से आएंगे ये लोग जिसको आप लोग कहते हैं प्रेरित, कहां से आएंगे? सॉरी, कहां से आएंगे ये लोग जिसको आप प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार रखवाले? इसी दुनिया से। पत्रस कहां से मिला? इसी दुनिया से। पौलुस कहां से मिला? इसी दुनिया से। बाकी जितने भी सेवक है कहां से मिले? इसी दुनिया से। ये है पौलुस। जानते हो इसने क्या लिखा प्रेरितों की किताब, माफ करें, रोमन्स की किताब में? ये प्रेरित ऐसे होते हैं, मैंने लिखा है प्रेरित ऐसे होते हैं, तो कहां से लिखा है? रोमियो 1:1, रख रहा हूं। देखो क्या लिखा है, और एक से आगे चलेगा ये वचन, मुझे लगता है 17 तक चलेगा ये। देखिए, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, सी दैट, क्या बुलाया गया? प्रेरित होने के लिए। इसका मतलब है कि पौलुस पहला क्या था? प्रेरित नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरित होने के लिए बुलाया। प्रेरित किताब 13 अध्याय में परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, और जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, पवित्रता की आत्मा, पवित्र आत्मा के भाव से हमारे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। वचन 5, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि जिसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करें। याद रखो, सब जाति के लोग, ऐसा नहीं लिखा इसराइली, लिखा है सब जाति के लोग। वचन 6, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। तो इसका मतलब पौलुस का फोकस यहां पर क्या है? मैं अन्य जाति, मैं इसराइली था, मैं मसीह नहीं था, मैं यीशु को नहीं जानता था, मैं प्रेरित नहीं था, लेकिन मुझ पर सुसमाचार प्रकट हुआ, मुझ पर सुसमाचार प्रकट हुआ, मैं प्रेरित बन गया, मैं परमेश्वर का सेवक बन गया। तो वचन 6 कहता है कि तुम भी, पौलुस कहता है कि तुम भी मसीह के लिए बुलाए गए हो। वचन 7, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। वचन 8, पहले मैं तुम सब के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा, सी दैट, कहां? सारे जगत में हो रही है। तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। और वचन 9 लिखता है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, किसके विषय में? सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं, नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। वचन 11, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। वचन 12, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। वचन 13, और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसे मुझे अन्य जातियों में फल मिला।
वैसे ही तुम्हें भी फल मिले, परंतु अब तक रुका रहा। वचन 14, मैं यूनानी और अन्य भाषियों का बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, जो कल पढ़ाया था याद होगा। वचन 15, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार, हमेशा तैयार। क्यों? क्योंकि वचन 16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, मुझे सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं आती, इसलिए कि वह विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो सुसमाचार सुनाना सामर्थ्य है, याद रखना, इसको लास्ट में एंड करूंगा, सुसमाचार सुनाना परमेश्वर की सामर्थ्य है। वचन 17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? इसका मतलब है कि पौलुस कहता है, याद रखो कौन सा लेटर है, उसका पहला लेटर है, ये उसका पहला लेटर है। वो क्या कहता है कि मैं प्रेरित नहीं था, मुझे बुलाया गया। मुझे प्रेरित क्यों बुलाया गया? ताकि अन्य जातियों को मैं सुसमाचार सुनाऊं। तो इसका मतलब है कि यीशु को प्रेरित चाहिए, यीशु को भविष्यवक्ता लोग चाहिए, यीशु को सुसमाचारक रखवाले और उपदेशक चाहिए, ताकि दुनिया में जाकर वे परमेश्वर की एकलिसिया को तैयार करे, जो एक दिन यीशु मसीह के महिमा में प्रकट होगा। कैसा लग रहा है आजकल के सेवकों को? या थैंक यू, आजकल के सेवकों को ये बात समझनी होगी। आजकल के सेवक मतलब पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, मेथोडिस्ट, आप बैप्टिस्ट, आप जितने मेनलाइन, साइडलाइन, अपलाइन, इंडिपेंडेंट, आप जितने भी हैं ना, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि आजकल के सेवकों को ये बात समझनी होगी कि आपको लोगों को चर्च में बांध कर नहीं रखना है, बल्कि तैयार करके भेजना है। वाह आपको चर्च में बांध के नहीं रखना है, बांध के नहीं रखना है, बांध के नहीं रखना है। जी वापस कह रहा हूं, चर्च को बांध के नहीं रखना है। गेट रेडी, अब हम डीप में जा रहे हैं। ओके, नाउ ये चित्र वापस आ गया। मैं चाहता हूं कि इस बात को आपको समझना होगा कि लिखा है, क्योंकि तुम बांध के रखते हो इसलिए ये बात को रख रहा हूं। संसार में पौलुस कहता है 10:15 कहता है, प्रचारक बिना क्यों कर सुने, यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें, जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। किसके पांव? प्रचारकों के। किसके पांव? सुसमाचारकों के। किसके पांव? आपके और मेरे। मैंने कभी कहा था, शायद परसों कहा था, कि परमेश्वर को तुम्हारा पांव चाहिए, तुम्हारा पांव चाहिए। वाह और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम तुम्हारा पांव मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे धड़ को संभालूंगा, मतलब तुम्हारे शरीर को संभालूंगा। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। तो कहता है कि प्रचारक बिना क्यों कर सुने, तुम चर्च में बांध के रखोगे पास्टरों, अपने लोगों को, अपने सिस्टर को, ब्रदर्स को, दासी को, लड़का लड़की को, चर्च में अगर तुम बांध के रखोगे, यही चर्च में आना, अगले संडे फिर आना, बुधवार, शुक्रवार, मंगलवार, लेडीज मीटिंग, कपल्स मीटिंग, तुम्हारा वो क्वायर मीटिंग, प्रैक्टिस मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, बांध के रखोगे तो ऊपर बैठा परमेश्वर पूछ रहा है फिर जगत में कौन जाएगा, जगत में कौन जाएगा? पास्टर डैनियल, क्या यूथ मीटिंग नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कपल्स मीटिंग होनी चाहिए, चिल्ड्रंस मीटिंग होनी चाहिए, क्वायर प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप सब कुछ करो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी वो नहीं है। आपकी प्रायोरिटी एक ही है कि जगत को एकलिसिया बनाना, कलिसिया बनाना, यह आपकी प्राथमिकता है, यह आपकी प्रायोरिटी है, इस बात को समझना होगा। नाउ मुझे दुख और गुस्सा इस बात का है कि 2000 सालों से सुसमाचार का काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है। मैं बहुत गुस्से में हूं, 2000 साल से सुसमाचार का काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है। एक अचानक से कंपनी आती है, हिट हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है, लेकिन सुसमाचार का काम इतना ठप क्यों है, इतना ठप क्यों है? अगर कोई पास्टर, प्रभु का दास, सो कॉल्ड, आप अगर अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछ रहा हूं, ये प्रश्न मुझे बेचैन कर रहा है, आज आपको ये प्रश्न बेचैन करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा है तो तुम्हारी जमीर मर गई है, तुम्हारी जमीर मर गई है। मैं फिर पूछूंगा, 2000 सालों से सुसमाचार का काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये पृथ्वी पे? नूहा का जहाज 120 में
खेल खत्म, 120 दिन में खेल खत्म, बारिश आई, बारिश गिरी, 40 दिन 40 रात, नूहा बचा, उसके परिवार बचे, फिर उसके बाद में खेल खत्म, दुनिया शुरू। आप अधन की वाटिका की बात करते हैं, कुछ सालों के अंदर खेल खत्म, दूसरा काम शुरू। आप मूसा की बात करते हैं, उसने कुछ लोगों को निकाला और उसके बाद में हम देखते 40 साल के बाद में खेल खत्म, टबनाकल खेल खत्म, यीशु का क्रूस पर मरना कुछ 3.5 साल में खेल खत्म, लेकिन सुसमाचार का काम इतना देरी क्यों? सुसमाचार का काम को इतना देरी क्यों? कभी सोचा है, कभी सोचा है कि परमेश्वर आप टक 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 काम करने वाले है, आप ये 2000 साल तक का देरी क्यों? तब मुझे कुछ चीजें पता चली जिसमें से मैं समझता नंबर वन चीज ये है, कई सदियों से सेवक लोग कलीसियाओं से लोगों को भेज नहीं रहे हैं, ये जवाब है उसका। कई सदियों से, मैं समझता हूं कई सदियों से, पहली सदी में भेजे जाते थे, पौलुस भेजता था, पत्रस भेजता था, फिलिप भेजता था, ये सब भेजते थे, यीशु भेजता था, गो 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 गो, जाओ 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 जाओ, लेकिन आजकल क्या चल रहा है? आओ 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 आओ, कम 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 कम। कई सदियों से, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मैं मुंबई के लोगों से बात कर रहा हूं, अगर कोई सुन रहा है, मैं पूना, नागपुर, शोलापुर, कोल्हापुर, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, रांची, कलकत्ता, बंगाल, पाकिस्तान, नेपाल, अफ्रीका, अमरीका, जितने भी लोग, इसराइल, मिडिल ईस्ट, मैं सबको पूछ रहा हूं कि ऐसी क्या वजह है कि 2000 साल हो गए, यीशु का सुसमाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा है? यीशु क्यों नहीं आ रहा नीचे? ये पृथ्वी अभी तक क्यों लटकी हुई है बीच में? आए दिनों कुछ ना कुछ घटना है, आए दिनों कुछ ना कुछ बातें, क्यों? परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है क्योंकि कई सदियों से सेवकों ने चर्च में, इस चर्च में, ऐसे चर्च में लोगों को बांध के रखा है, लोगों को बांध के रखा है, उनको रिलीज नहीं कर रहे, उनको तैयार करके बेच नहीं रहे, कलीसियाओं को बांध के रखा गया है। मैं इसके ऊपर आज बात करूंगा। इसको देखिए, कलीसिया का काम क्या है पता है? भेजना। कलीसिया का काम है भेजना। पास्टर डैनियल कैसे, अभी तो बता चुका हूं लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, अंताकिया की कलीसिया में, रिपीट करता हूं, अंताकिया की कलीसिया में, पृथ्वी की किताब 13:1, देखो क्या लिखा है, वचन 2 में लिखा है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए उन्हें मैंने बुलाया है, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। वचन 4 क्या कहता है, देखो, सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए। किसने भेजा? पवित्र आत्मा ने। कलीसिया का काम क्या है? भेजना। ये देखो, कलीसिया का काम है भेजना, कलीसिया का काम है भेजना, कई सदियों से नहीं भेजा जा रहा है। तो जिसके चलते आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है कि कहां है वो लोग जो चर्च के बाहर निकलेंगे, कहां है वो लड़का लड़की, दास दासी जिनको तुम तैयार करके भेजोगे, और पवित्र आत्मा वेट कर रहा है, पवित्र आत्मा वेट कर रहा है। नाउ इसको देखिए दोस्तों, गेट रेडी, इसको देखिए, जो पास्टर लोग, रमन साहब आप सुन रहे होंगे शायद, लिखा है जो पास्टर लोग तैयार नहीं करता, अपने लोगों को नहीं भेजता, वो पाप करता है, या वो पाप करता है, मैं कुछ सेकंड इसको और रख रहा हूं, वो पाप करता है। वंडरफुल जीसस, मैं चाहता हूं कि इसको डाइजेस्ट करो, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, किसको भेजना है भेजो, वायरल करना है करो, या जो पास्टर लोगों को तैयार नहीं करता और नहीं भेजता संसार में, वो पाप करता है। कैसे बोल सकते हैं पास्टर डैनियल? वचन दे रहा हूं, पहला योहन्ना 2:4, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:4 लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं, और जिसमें सत्य नहीं मतलब उसमें यीशु नहीं, और जिसमें यीशु नहीं तो इसका मतलब क्या है? शैतान का बच्चा, पाप का जीवन, संसारिक जीवन। तो वापस कहता हूं, जितने पास्टर्स, जो प्रभु के सेवक, पास्टर से मेरा मतलब है सेवक, ठीक है ना, अगर आप प्रभु के लोगों को तैयार कर बाहर नहीं भेज रहे, आप पाप कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूं विद दिस रेफरेंस, सपोर्ट ऑफ दिस स्क्रिप्चर, आप सत्य को जानते हो, आज्ञाओं को जानते हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। अब ये फोटो देखो, आप सालों से चर्च में जाके बैठ रहे हो, सालों से चर्च जा रहे हो,
और पास्टर द्वारा भेजे नहीं जा रहे हो, रिपीट करता हूं, पास्टर द्वारा भेजे नहीं जा रहे हो, तो भूल जाओ कि आप स्वर्ग जाओगे। नो चांस, नो चांस, नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। वापस कहता हूं, चर्च में बैठना, घंटों वर्शिप करना, घंटों वचन सुनना, घंटों पास्टर की बातें सुनना, आपका फोकस चर्च, घर, घर, चर्च, चर्च, घर, अगर ऐसा है तो लिखा है भूल जाओ आप स्वर्ग जाओगे। नहीं जाओगे आप स्वर्ग, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, नहीं जाओगे। बहुत सारे रेफरेंस थे, मैंने नहीं डाला। पौलुस क्या करता था पता है, लिखा है पौलुस ने तीतुस को क्या कहा था, पहला तीतुस पहला अध्याय वचन 5, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 5, कहता है मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही बातों को सुधारे, मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। किसको नियुक्त करें? प्राचीनों को। वाह। और यीशु ने क्या किया था? मती उसका 10:16 में, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नहीं, भेड़ियों के बीच बेचता हूं। ये जो ब्लैक में स्पॉट किया ना, बेचता हूं, मैं तुमको भेज रहा हूं, जाओ जाओ जाओ, मैं तुमको भेज रहा हूं, यीशु कहता है। अब इसको देखिए, आपको बैठने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको बैठने के लिए नहीं बुलाया है चर्च में। जितने फेसबुक पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट्स करिए कैसा लग रहा है, टाइप करिए कहां से कैसे, और साथ में आपका टिक टिक चलता रहे। या लिखा है आपको बैठने के लिए नहीं बुलाया। आप देख सकते हैं एक तरफ चर्च है और दूसरी तरफ फसल है, बिल्कुल पक चुकी है, जिसके चलते यीशु ने क्या कहा योहन्ना 4:35 में, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हार्वेस्ट आर वाइट, वाइट इंग्लिश ट्रांसलेशन, पक चुका है, वाइट हो गया है। लेकिन मुसीबत क्या है रमन साहब, कि लोग कलीसिया में क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, कलीसिया में बैठ रहे हैं, लोग कलीसिया में बैठ रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए। माय गुडनेस, उनको एक ही चीज है, बैठो सुनो, बैठो सुनो। लेकिन प्रभु कहता है आंख उठाकर बाहर देखो, फसल तो कब की तैयार हो चुकी है, कब की पक चुकी है, और प्रभु कहता है कि तुम कहां हो, तुम कहां हो, तुम कहां हो। तुमको चर्च में बैठने के लिए नहीं बुलाया। मुंबई के लोगों, पुणे के लोगों, नागपुर के लोगों, पंजाब के लोगों, कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु, रांची, झारखंड, कलकत्ता, बेंगलोर, बंगाल, जो भी आप, पाकिस्तान, विश्व का कोना, आपको बैठने के लिए नहीं बुलाया, फसल काटना है। इसलिए यीशु कहता है पक चुका है, फसल तो कब का पक चुका है। अब इसको देखिए, जो कलीसिया भेजती नहीं वो एक रिलीजियस बिल्डिंग है, दैट्स इट। जो कलीसिया नहीं बेचती वो कौन सी इमारत है? धार्मिक रिलीजियस बिल्डिंग, क्रिश्चियन है वो। और वो कौन सा लेबल लगा के घूम रही है? क्रिश्चियनिटी का। मैं ईसाई हूं, मैं चर्च जाती हूं, मैं जाता हूं सालों से, 30-20-40। तुम रिलीजियस हो, और परमेश्वर ने रिलीजियस के लिए नहीं बुलाया। मैं वापस कहता हूं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं दुनिया के, सब इकट्ठे हो जाओ, चर्चा करो, इसके ऊपर बहस करो, डिबेट करो, बातें करो, और बाइबल में से एक वचन निकाल के बताओ कि जहां लिखा हो कि यीशु मसीह क्रिश्चियन का रिलीजन बनाने आया। मैं आपके पद चिन्ह पे चलना शुरू कर दूंगा, आप जैसे बोलोगे करना शुरू करूंगा। मुझे एक रेफरेंस चाहिए जहां लिखा हो कि क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन एंड जीसस हैज कम टू द बिल्ड द रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन बनाने के लिए, ऐसा कुछ वचन निकल के बता दीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए तो कहता ना कि जिसको 18 पता 17 मत सिखाया करो। या तो फिर से कहता हूं कि जो कलीसिया बेचती नहीं है वो एक रिलीजियस बिल्डिंग है। अगर आप ऐसे चर्च में जाते हो और वहां आप अपना पैसा लगाते हो, तो आपको एक बार बैठ के सोचना चाहिए, आपको एक बार बैठ के सोचना चाहिए, मैं कौन से चर्च में जा रहा हूं? ऐसा चर्च जहां ट्रेन नहीं करते, ऐसा चर्च जहां बेचते नहीं है, ऐसा चर्च जहां पे मिशन की बातें नहीं होती, ऐसे चर्च में मैं अपना पैसा डाल रहा हूं, दशमांश दे रहा हूं, और वो भी अच्छी खासी मोटी रकम, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई लाख,
आप ऐसे चर्च में अपना पैसा डाल रहे हो, एक बार बैठ के सोचो। और दूसरी तरफ फसल तैयार है, काटने के लिए मजदूर नहीं है, क्यों रखूंगा? क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं है, सेवकों के पास में पैसे नहीं है जाके काम करने के लिए। किसी के पास में दर्शन है तो प्रोविजन नहीं है, किसी के पास में प्रोविजन है तो दर्शन नहीं है, विजन नहीं है। नो विजन नो प्रोविजन, समझ में आ गया होगा आपको बात। तो यहां पे आपको यह समझना होगा कि आप अगर ऐसे किसी चर्च में जाते हो, मुंबई, पुणे, नागपुर, तुम्हारा पंजाब, पंजाब का तो बेड़ा गर्क है, वो बात अलग है, भयंकर, कम से कम 2 से 3 दर्जन ऐसे वहां पे चर्चेस और ऐसे वहां के सेवक हैं। मैं समझता हूं कि यीशु मसीह तो उनकी खूब पिटाई करने वाला है, डंडे से पिटाई होने वाली है उनकी, क्या होगा पता नहीं, तमाशा बनेंगे ये लोग, तमाशा न्याय के दिन। बहुत गंदा गंदा करके रखा हो, बहुत गंदगी फैला के रखी है, बट ऐसे प्रचार करके मैं डैनियल राज और मुझ जैसे 10% लोग आपको जागरूक कर रहे हैं, बचो बचो, धोखा बहुत है, बचो, बुद्धि अकल लगाओ, क्या लिखा है पढ़ो, कैसे लिखा है पढ़ो, क्या कह रहा है पढ़ो, और क्या सुनते हैं वो भी देखो। हद हो गई साहब, अगर आप ऐसे चर्च जाते हो तो वहां अपना पैसा लगाते हो तो एक बार बैठ के सोचो। लिखा है ऐसे लोग कुछ वचनों को तोड़ मरोड़ कर आपको गलत सिखा जाते हैं, आपको गलत सिखा जाते हैं, वचन को ट्विस्ट, ऐसे आम बात हो गई आजकल। ऐसा लगता है कि बाएं हाथ का खेल है पास्टरों का, सेवकों का, बाइबल टीचरों का, अपने फायदे के लिए, अपनी मोटी रकम कमाने के लिए, अपने कुछ बेनिफिट के लिए ओल्ड टेस्टमेंट का वचन को उठाकर, न्यू टेस्टमेंट का वचन को उठाकर, कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, संदर्भ अलग है, उसको बस दिखा देंगे कि देखो लिखा है तुम दो। और बिचारी कलीसिया भोली भाली, दया तो आती है बट गुस्सा भी आता है कि भाई तुम लोग कब तक ऐसे बैठ बने रहोगे, जरा समझो बात को, खुद बाइबल पढ़ो, दिमाग लगाओ, अकल लगाओ। तो ऐसे कोई वचनों को तोड़ मरोड़ कर गलत सिखा जाते हैं, इसके चलते मैंने ये फोटो रखा, ये रखा है। कुछ सवाल आज आपको खुद से पूछने होंगे, कौन से सवाल, क्या आपको कोई तैयार कर रहा है? दूसरा, क्या आप किसी को तैयार कर रहे हो? तीसरा, कितने चेले अभी तक आपने बनाए? क्वेश्चन मार्क। चौथा, क्या मिशन के काम में बिजी हो? यह प्रश्न आपको पूछना है खुद से, इसलिए लिखा है, वापस रख देता हूं, कुछ सवाल आपको आज खुद से पूछने होंगे। मैं रख रहा हूं, इस कुछ सेकंड तक रख रहा हूं, कुछ सेकंड तक रख रहा हूं। जितने जूम पर हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ बने रहें, या ये सवाल आपको पूछना, राइट श्रीकांत जी, ये सवाल आपको पूछना होगा, क्या आपको कोई तैयार कर रहा है? क्या आप किसी को तैयार कर रहे हैं? तीसरा, कितने चेले आपने अभी तक बनाए? चौथा, क्या मिशन का काम, आप मिशन के काम में आप बिजी हैं? कुछ वर्शिपर्स को मैं जानता हूं मुंबई से, जिनको पूरा भारत उनके गाने सुनकर उनको सर पे चढ़ा के रखें, अरे क्या गाता है, अरे क्या गॉस्पल सिंगर है, ऐसे कुछ सिंगरों को मैं जानता हूं। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा इस डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से, अगर वो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं या फिर भविष्य में कभी भी देखेंगे, उनके पास अगर पहुंच जाए, मुश्किल है लेकिन पहुंच जाए, मैं उनको डायरेक्ट पूछूंगा कि तुमने कितने चेले बनाए, तुम्हारे 20 साल की मिनिस्ट्री में, 30 साल की मिनिस्ट्री में कितने चेले बनाए? वो डींगे मारते हैं कि हमने 1000 गाना बनाया, 2000 शायरी बनाए, ऐसा किया वैसा किया, म्यूजिक बनाया, लेकिन प्रभु पूछता है बेटा वो ठीक है, लेकिन डिसाइपल कितने बनाए? उनके मुंह से अगर निकल गया ना 2, 3, 5, 10 भी, तो भी काबिले तारीफ है, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है। और 2, 3, 10, 5 बनाने के लिए तुमने 20 साल लगा दिए, शर्म की बात है ना, शर्म की बात है। अच्छा, सोचते नहीं है, और अगर मुझ जैसे कोई प्रचारक ऐसी बातों को रखता भी है तो कहता है कि देखो जजमेंटल है, देखो ये तो दोष लगा रहा है, क्या बात हो गई यार। अगर ऐसा स्कूल का टीचर अपने बच्चों को जहां तुम भेजते हो अगर वो करेक्ट करें तो तुम बड़ा बच्चा यही कहेगा, हो टीचर तुम तो जजमेंटल हो, वो टीचर तुम तो दोष लगा रही हो, तो फिर बच्चा सीखेगा कब, आगे बढ़ेगा कब? हद हो गए साहब।
तो वापस कहता हूं, बात को समझना होगा, मुझको, आपको, सबको समझना होगा। अगर आप किसी को तैयार नहीं कर रहे, आपको कोई तैयार नहीं कर रहा, किसी को चेला नहीं बना रहे, मिशन के काम में बिजी नहीं है, आपको ऐसी संगति, ऐसा पास्टर, ऐसा चर्च को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना होगा, और ऐसा कोई संगति, ऐसा कोई मेंटर, ऐसा कोई बाइबल टीचर को ढूंढना होगा जो आपको यीशु के पद चिन्ह पे चलाए। वाओ, ये देख लीजिए, क्या आप जानते हैं नाश और टूटे हुए इस दुनिया को क्या चाहिए? आज पूरी दुनिया टूटी हुई है ना, नाश की तरफ है ना, सब जगह क्या न्यूज आ रहा है, यहां वो मर रहा, यहां पे ये मर रहा, यहां पे आग लग गई, वहां भूकंप आ गया, यहां पे महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, यहां पे नौकरी नहीं है, बिजनेस में लॉस है, उसने सुसाइड कर लिया, किसान लोग जो हैं वो रोड पे क्या कहते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में, और जो सरकार है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही। ऐसी टूटी और नाश की तरफ नहीं जा रही दुनिया? कम ऑन, यस और नो? और उसके बीच में मैंने लिखा है कि उनको क्या चाहिए, ऐसी नाश और टूट रही इस दुनिया को और 790 करोड़ की इस पॉपुलेशन को क्या चाहिए? लिखा है बिना मिलावट का सुसमाचार, बिना मिलावट का सुसमाचार, जिस सुसमाचार में पाप क्षमा की बातें, पाप से बचे रहने की बातें, यीशु के दुनिया में लौट आने की बातें, ऐसी बातों से आपको उनको तैयार करना होगा। अरुण राठौड़, राइट? या फोकस, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। इस नाश होने वाली दुनिया को बिना मिलावट का सुसमाचार आपको देना होगा। इसलिए मैंने क्या कहा था, परमेश्वर यीशु मसीह ने 5 प्रकार के मिनिस्ट्री को नियुक्त किया, नियुक्त, और जिसके चलते मुझको और आपको क्या समझना है कि प्रभु ऐसे जिसको आपने नियुक्त किया है पूरे दुनिया में, उनकी तादाद को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे, कहां मिलेगा दुनिया में? लेकिन दिक्कत की बात क्या है, 2000 साल से सुसमाचार का काम खत्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसका कसूर क्या है, भेजा नहीं जा रहा है, भेजा नहीं जा रहा है। तो इस टूटती दुनिया को क्या चाहिए, बिना मिलावट का सुसमाचार, जिसमें पाप क्षमा की बातें हों, पाप से बचे रहने की बातें हों, यीशु के दुनिया में लौट आने की बातें, क्योंकि यीशु एक दिन वापस आएगा, ऐसी बातों से दुनिया को अवेयर करना। मेरे पास में 14 मिनट है, अगर आज का हिसाब से मैं चलूं, ध्यान दीजिएगा, या ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। एक विश्वासी इस दुनिया के लिए, क्वेश्चन मार्क, आप एरो देख लीजिएगा, एक विश्वासी इस दुनिया के लिए परमेश्वर का राजदूत है। कैसे? 2 कुरिन्थियों 5:19 लिखा है, फिर 5:20 भी पढ़ाऊंगा, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। 5:20 कहता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, और नीचे देखो क्या लिखा है, मसीह की ओर से निवेदन करता है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो आप कौन है साहब, राजदूत? आपको क्या मिला है, मेल मिलाप की सेवा, देख लो ना, उसने मेल मिलाप का वचन मुझको और आपको सौंप दिया। ये व्यक्ति एक एग्जाम्पल के तौर पर जी, ये कौन है रख रहा हूं, एक विश्वासी इस दुनिया के लिए कौन है, राजदूत। ये राजदूत के पास क्या है, परमेश्वर का एक मैसेज। मैसेज क्या है, तुम टूट रहे हो, प्रभु के पास आ जाओ, तुम नाश हो रहे हो, प्रभु के पास आ जाओ, तुम समस्या में हो, प्रभु के पास आ जाओ, तुमको रास्ता नहीं दिख रहा, प्रभु के पास आ जाओ, तुमको जीवन का, मरने के बाद जो जीवन मिलता है उसका डर है, प्रभु के पास आ जाओ, नाश होने का डर है, प्रभु के पास आ जाओ। ऐसा मैसेज लेकर घूमने वाला इस दुनिया में ये परमेश्वर का राजदूत है। अभी जितने भी 11-12-16 लोग अभी लाइव हैं, मैं उन सब को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के राजदूत बनो, ये राजदूत बनो, अभी 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 आपको बनना है। दास हो, दासी हो, लड़का लड़की, औरत पुरुष, जो भी हो, आपको परमेश्वर का राजदूत बनना है। दूसरा, परमेश्वर के सेवक हैं आप, इफिसियों किताब उसका 3:7, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के दान
के अनुसार, कौन कहता है? पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। ये देखो, मैं उस सुसमाचार का सेवक बना, मैं सेवक हूं, मैं राजदूत हूं। ये रहा तीसरा, परमेश्वर की प्रजा। आप कौन हैं? परमेश्वर की प्रजा। कहां लिखा है? पहला पत्र 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, और ब्रैकेट देख लो, परमेश्वर की नीज प्रजा हो। इस पृथ्वी पे आप परमेश्वर की नीच प्रजा क्यों हो? नीचे लिखा है इसलिए कि उस जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी जो अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो, परमेश्वर को प्रकट करो। किसको? संसार को। आप अपोस्तल हैं, आप प्रॉफिट हैं, एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं। आप पांच प्रकार की सेवा पृथ्वी पर रखी है। क्यों? ताकि कलीसिया महिमा के साथ प्रकट हो, महिमा के साथ प्रकट हो। आप राजदूत हैं, आप सेवक हैं, आप प्रजा हैं। ये रहा चौथा, परमेश्वर की सामर्थ्य है इस पृथ्वी पे चलता फिरता पावर हाउस। इस पृथ्वी पे चलता फिरता पावर हाउस कौन? आप और मैं। आप और मैं, कहां लिखा है? रख रहा हूं। 2 Corinthians 4:7, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य। देख लीजिएगा क्या लिखा है, असीम सामर्थ्य, हमारी ओर से नहीं वरना परमेश्वरी की ओर से ठहरे। तो मुझ जैसे मट्टी के बर्तन में, आप जैसे मट्टी के बर्तन में, मट्टी का बर्तन मतलब समझ गए, परमेश्वर की देह कलीसिया, आप और मैं। आप राजदूत हैं, आप सेवक हैं, आप प्रजा हैं, और आप सामर्थ हैं इस पृथ्वी पे चलते फिरते। आप परमेश्वर के पावर हैं। मैं रखूंगा आगे, इसका कनेक्शन दूंगा। क्या आज आपको ऐसी तैयारी किया, आपको ऐसा तैयार किया जा रहा है? कितने सारे क्वेश्चन मार्क डाल दिए। देखो मैं फिर पूछूंगा, क्या आज आपको ऐसा तैयार किया जा रहा है? क्या आपका पास्टर, मुंबई का पास्टर, पूना का पास्टर, नागपुर का पास्टर, पंजाब का, गुजरात का, आपका आंध्र का, कर्नाटका, बेंगलोर, तेलंगाना, आप जहां के भी हैं, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं के भी, राजस्थान, गुजरात, आपका रांची, क्या कहते हैं, नेपाल, कहीं के भी हैं, आपका ऐसा तैयार किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं आपको, अगर नहीं किया जा रहा है, छोड़ दो, निकलो बाहर, सीखो परमेश्वर से। और जिसके चलते एक कलीसिया, एक बड़ा पास्टर, उसका नाम है यीशु, उसके साथ जुड़ो। और जिसके चलते हम मसीह मंथन वाले यही कोशिश कर रहे हैं कि सबको वापस वही प्रेरितों के दिनों में, वापस वही पहली सदी के दिनों में वापस लेकर आए। क्योंकि आज 90% भी कम बोल दिया हूं, 99.9% चर्च की बिल्डिंग रिलीजियस बिल्डिंग बन गई। क्रिश्चियनिटी एक धर्म बन गया है, धर्म बहुत डेंजर सिचुएशन है साहब। क्रिश्चियनिटी एक धर्म बन गया है, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया। अब अंत में दो बातें बताकर समाप्त करूंगा। अब अंत में दो बातें जो बहुत जरूरी हैं। पहला, पवित्र आत्मा से भरकर सेवा करना। सबसे पहला आपको पवित्र आत्मा से भरकर सेवा करना है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब यह नहीं है कि तुम जिब्रिश में बात करो, अन्य भाषा, ना उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल नहीं है। पवित्र आत्मा, लिटरली पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं, उससे भरकर सेवा करना। और आपको बताता आ रहा हूं कि जिस दिन तुमने यीशु को स्वीकार किया, उसी दिन तुमको पवित्र आत्मा मिल गया। बस अब अपने आप को फिल करो, मांगो पवित्र आत्मा से, प्रभु मेरे द्वारा कार्य कर। भरे रहने का मतलब है मेरे द्वारा कार्य कर। मेरे हाथ में यहां पे फोन है, आपको पता है ये जो फोन है ये तब तक कुछ नहीं है जब तक इसकी बैटरी फुल ना हो। इसको हर टाइम रिचार्ज करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में आपके अंदर, इसके अंदर बैटरी है, इसके अंदर बैटरी है, बट ये बैटरी को चार्ज करते रहो। वैसे ही आपके अंदर पवित्र आत्मा है, कोई शक नहीं है, लेकिन उसको चार्ज कराओ, उसको कार्य में लाओ। पवित्र आत्मा से कहो कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। तो पहला है पवित्र आत्मा से भरकर सेवा करना। कैसे? यीशु ने, पतरस ने और पौलुस ने इस दुनिया में कैसे सेवा की थी? अलौकिक शब्द देख लो, अलौकिक, जिसको कहते हैं सुपर नेचुरल, अलौकिक। यीशु का चमत्कार, रख रहा हूं। Matthew 24:23 देखो क्या लिखा है। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। लिखा है हर प्रकार की बीमारी,
कैसी भी बीमारी क्यों ना, YouTube के जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आपको पवित्र आत्मा से भरने का मतलब यह नहीं है कि अन्य अन्य भाषा जो चल रहा है ना आजकल जिब्रिश, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा से भरे रहने का बात कर रहा हूं। तो यीशु, पत्रस, पौलुस, तो यीशु की बात कर दिया। अब देखो चेले लोगों ने, यानी कि पहले सदी के चेले लोगों ने क्या किया था, मरकुस 16:20, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे। साथ साथ होते थे किसके साथ होते थे, सुसमाचार के, लिखा है चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। 8:6 फिलिप की मिनिस्ट्री, जो बातें फिलिपुस ने कही उन्होंने, उन्हें लोगों ने सुनकर, जो चिन्ह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया, एक चित होकर मन लगा। अब इसको देखें जिसका नाम है पौलुस, क्या लिखा है, देखो रोमियो 15:18-19 तक में, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का वह हियाव नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है, जो मसीह ने अन्य जातियों की आधीनता के लिए वचन और कर्म चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिक्यूस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। तो ये सब कैसे काम करते थे, अलौकिक, ये कैसे प्रचार करते थे, अलौकिक, इनके हाथों से क्या होता था, सामर्थ्य के काम। आज आपको पता है एक सर्वे के मुताबिक 70% लोग मसीह में इसलिए आए हैं, आज की बात कर रहा हूं, कुछ 2-3 डेकेड्स के बात कर लीजिएगा, 70% लोग अगर मसीह को स्वीकार किए हैं तो उन्होंने कुछ ऐसी अलौकिक बातें देखी, आकर्षित हो गए, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का बीमारी चला गया, किसी का पैरालाइज ठीक हो गया, जिसके चलते लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। और ये बिल्कुल बिब्लिकल है, ये गलत नहीं है, लेकिन चमत्कार को जब हाथों से चमत्कार होने लगे, ध्यान दीजिएगा, जब हाथों से चमत्कार होने लगे तो लोगों ने जबान को बंद कर दिया, हाथ का काम शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जबान और हाथ दोनों चलना चाहिए, वचन और चंगाई का हाथ, रिपीट करता हूं, वचन, जीभ, हाथ, चमत्कार, दोनों साथ में चलना चाहिए। कैसा लगा, आपको एक और लॉजिक देता हूं, मैंने नहीं रखा लेकिन आपको बता देता हूं। आपको याद है कि 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को चमत्कार, मत्ती का किताब उसका 14:23 से आगे अगर आप पढ़ोगे, तो पत्रस कहता है कि प्रभु इनको विदा करो, इनके पास में खाना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो यीशु कहता है कि इनका जाना अवश्य नहीं है, तुमको, तुम ही इनको खिलाओगे, तुम खिलाओगे। तो चमत्कार, ध्यान दीजिएगा, चमत्कार यीशु के हाथ से नहीं हुआ, चमत्कार चेलों के हाथों से हुआ, हाथों से। कैसे, जब यीशु ने रोटी तोड़ी और चेलों को दिया और कहा बांटो, टोकरी कितनी थी, 12, लास्ट में कितनी टोकरी बची, 12, तो यीशु के चेलों ने जब वो बांट रहे थे तो उनके हाथों से चमत्कार हो रहा था, जो मछली बट रही थी वो वापस टोकरी में आ रही थी, जो रोटी जा रही थी वो वापस टोकरी में आ रही थी, आप समझ गए। तो यीशु कहता है कि यस, मैं भी तो चाहता हूं, यूहन्ना 14:12, मैं भी चाहता हूं कि तुम चमत्कार करो, आश्चर्य कर्म करो, बल्कि मुझसे करो, मुझसे बढ़कर करो, लेकिन कब, कब लिखा है, जब वचन का प्रचार करोगे तब। अब इसको देखो, 1 कुरिन्थियों 4:20, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, ब्रैकेट में कॉन्सेप्ट है, घमंड की बात चल रही थी, जिसको पौलुस ने कहा कि ज्यादा बात मत करो, मैं तो देखना चाहता हूं कि तुम्हारी सामर्थ कितनी है, किसमें, मिनिस्ट्री में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, अभी उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ऊपर वाला चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तो महानाज्ञा की कलीसिया का एक एक सेवक, मसीह का एक एक दास और दासी कैसे काम करना है, अलौकिक। तो तब जाकर मैंने लिखा कि गवाही और सामर्थ्य दोनों साथ साथ में चलती हैं, चलते हैं या चलती हैं, दोनों साथ में चलते हैं। या गवाही मतलब प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, गॉस्पल, प्रीचिंग द गॉस्पल, फिर उसके बाद में आता है सामर्थ्य। तो पहले जबान को चलना है, फिर हाथ चलेगा, जबान आप चलाओ, हाथ प्रभु चलाएगा। क्या लॉजिक है, देखिए वापस कहता हूं कि जबान आप चलाओ, हाथ प्रभु चलाएगा, जबान आप चलाओ, हाथ प्रभु चलाएगा। जहां सिर्फ सामर्थ है और गवाही नहीं, वो मिनिस्ट्री शैतान की ओर से, यह भी बता देता हूं, जहां सिर्फ और सिर्फ चमत्कार हो रहा है लेकिन गवाही नहीं हो रही, वो मिनिस्ट्री शैतान की है।
क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि गवाही हो। शैतान का भी दूसरा कुरिन्थी 4:4 याद आ गया ना, 2 Corinthians 4:4 जहां पे लिखा है कि वो नहीं चाहता कि सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। तो वो क्या कहता है कुछ चर्चेस को, जो रिलीजियस चर्च है, जो रिलीजियस पास्टर्स है, वो क्या कहता है, तुम गवाही मत दो, सुसमाचार मत सुनाओ, ट्रेनिंग मत करो, बाहर किसी को मत भेजो, तुम अपने चर्च में रहो और जितने चमत्कार होने हैं मैं करवा दूंगा, क्योंकि लूसीफर ने कहा कि सब कुछ मुझे दिया गया है। और लूसीफर चमत्कार करता है, लूसीफर चमत्कार करता है, उसके एजेंट चमत्कार करते हैं, एंटी क्राइस्ट चमत्कार करता है। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है, पत्थर लकड़ी भी बाहर से चमत्कार कर रहे हैं, जो अदर जाति के लोग हैं वहां पे भी चमत्कार हो रहा है, क्या बात करते हैं आप। लेकिन गवाही, तब जाकर लिखा है कि जहां सिर्फ सामर्थ है और गवाही नहीं, वो मिनिस्ट्री शैतान की ओर से है। प्रेरितों की किताब 4:29-31 में पत्रस की प्रार्थना देखो क्या थी, सुनना चाहोगे, मैं रख रहा हूं। पत्रस की प्रार्थना, अब हे प्रभु इनकी धमकियों को देख, क्योंकि उसको प्रचार करने से रोका जा रहा था, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। 30 और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा और चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो यहां पर क्या क्या है, पत्रस कहता है कि प्रभु ये लोग हमको धमकी दे रहे हैं, हम क्या करें, वचन तो सुनाना चाहते हैं। तब पत्रस ने एक प्रार्थना करी कि प्रभु वचन को भी सुनाऊंगा लेकिन तेरे हाथ को बढ़ाना ताकि तेरे चमत्कार हो। तो लिखा है कि चमत्कार भी हुआ लेकिन पहले वचन, तो नीचे क्या लिखा है, वचन ही आओ से सुनाते थे। चमत्कार फोकस नहीं है साहब, तेल पानी रुमाल कपड़ा फोकस नहीं है, फोकस है परमेश्वर का वचन। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से भरकर जो सेवा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जितने जूम पर हैं और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है पवित्र आत्मा से भरकर जो सेवा करता है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करो, फाइनेंशियली सपोर्ट करो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। अगर आप ऐसों को नहीं जानते तो मुझे कांटेक्ट करिए। आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा है, और आपको होना भी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं मुझे, आप लोग कम से कम 2-3 साल 5 साल से मुझे सुन रहे हैं आप लोग, मेरी मिनिस्ट्री कैसी है, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत सच्चे हैं, जेन्यून हैं, ईमानदार हैं। उनका उनका मिनिस्ट्री पेट नहीं है, मतलब वो पेट की सेवा नहीं करते, पैसे की सेवा नहीं करते, वो सच्चे हृदय से सेवा करते। मैं ऐसे कितनों को जानता हूं, उनको सपोर्ट करिए। मैं सबको कह रहा हूं इस ग्रेट कमीशन का, इस आखिरी दिन के एपिसोड में मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पवित्र आत्मा से भरकर जो मिशन का काम कर रहे हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करो। वचन रख रहा हूं जो पहले सदी में होता था। प्रेरितों की किताब 4:33-35 तक में Acts 4:33-35 कहता है पहली सदी की कलीसिया कैसी थी, प्रेरित बड़ी सामर्थ से, बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। याद रखो मैंने क्या कहा था, गवाही और सामर्थ। तो लिखा है गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। किस पर, पहली सदी की कलीसिया पर। वाह, पहली सदी की कलीसिया पर बहुत अनुग्रह था। क्यों अनुग्रह था, क्योंकि वचन का प्रचार करते। ऐसा ही अनुग्रह आज 21वीं सदी पर आ जाए, मुझ जैसे 10 टक्कों पर आ जाए। लिखा है 34 में उनमें कोई दरिद्र ना था, मतलब गरीब नहीं था, कोई पुअर नहीं था। क्यों, आगे लिखता है, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर, याद रखो खेत की जमीन बेचते थे, खुद का घर बेचते थे। तो प्रश्न उठता, रहते कहां होंगे, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, बहुत दिक्कत है। लिखा है अपनी जमीन बेचते थे, प्रॉपर्टी, अपना घर बेचते थे, प्रॉपर्टी, बेच बेच कर क्या करते थे पता है, पत्रस के पैरों पे डाल देते थे, बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते प्रेरितों के पांव पे रखते थे। देख लो फिर क्या करता था पत्रस, वचन 35, जैसे जैसे और जिसे जैसे आवश्यकता होती थी, जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार एक एक को बांट दिया करते थे। तब जाकर लिखा कि ऊपर उनमें कोई गरीब नहीं रहता था, कोई गरीब नहीं रहता था। इसका मतलब क्या है, मिनिस्ट्री का काम तेजी से चलता था, तेजी से चलता था। क्या अभी जो फेसबुक पे 370 लोग देख रहे हैं, क्या आप ऐसा कोई काम करना चाहोगे, जो कि लिखा है जो पवित्र आत्मा से भरकर मिशन का काम कर रहे हैं, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करो। मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन मैं आपको अभी पूछ रहा हूं, जितने यूट्यूब पे, कितने यूट्यूब पे,
600 के ऊपर जो YouTube पे, मैं आपको पूछ रहा हूं जो अभी देख रहे हैं, क्या आप ऐसे लोगों को सेवकाई के लिए सपोर्ट करना चाहोगे, ऐसा मिशनरी जो काम कर रहे हैं? क्योंकि 2000 साल हो गए यार, मैं भी थक गया हूं कि परमेश्वर 2000 साल हो गए आप अभी तक नहीं आ रहे। सुसमाचार का काम चला जा रहा है, चल रहा जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? तो पता चला कि भेज नहीं रहे सेवकों को, भेज नहीं रहे, एक जगह पे इकट्ठा करके रख रहे। बहता नाली का पानी अगर बहता रहेगा ना तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, लेकिन जो नाला बहना बंद कर देगा ना तो वहां कीचड़ भी जमा होता है, मच्छर भी पैदा होता है, आप जानते हैं इस बात को। तो ऐसी थी साहब पहली सदी की कले से। तो मुझे जब मैं ये स्लाइड को तैयार कर रहा था तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि अगर अभी जो जूम पे 230 लोग देख रहे हैं, 900-600 आप लोग जो देख रहे हैं फेसबुक पे, 300-350 आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहूंगा, अगर आपको प्रभु ऐसा कहे कि अपनी अपनी घर बेचो और प्रॉपर्टी बेचो और जाकर किसी सेवक को दे दो, आपकी अंदर इतनी हिम्मत है या उस लेवल पे आ सकते हैं? या उस लेवल पे आ सकते हैं, आना चाहिए। आपको पता है, मैं तो खैर देखा नहीं हूं, बस सुना हूं, जब इमरजेंसी आई थी ना भारत में और जब वॉर हुआ था ना भारत में, तो घर में घुस घुस के जितने भी जवान लड़के होते थे ना, उन सबको उठा उठा के सरकार मिलिट्री में भर्ती कर रही थी, फौज में भर्ती कर रही थी, और उनके हाथ में बंदूक दे देती कि जाके लड़ो। बाप रे, अब आप सोच के देखिए, अगर इस सरकार की जरूरत है और वो ऐसा कदम उठा सकती है तो सोच के देखो ऊपर की सरकार, आपको और मुझे, अगर वो कह दे कि चलो अपना भूरी बिस्तरा बांधो, सब बेचो और मेरी सेवा में लग जाओ, ऐसा दिल पैदा करना पड़ेगा आपको। क्या आप जानते हैं, इसको देख लीजिए, क्या आप जानते हैं पहली मिशन जागृति लहर में, याद रखो पहली मिशन जागृति लहर में तीन बातें शामिल थी। तीन बातें पहली लहर में, लोग, मिशन का जज्बा और पैसा, जिसको कहते हैं फर्स्ट वेव, वेव वेव पहली लहर, फर्स्ट वेव, ये तीन लोग शामिल थे, लोग, मिशन का जज्बा और उनका पैसा। इस आखिरी लेवल में या लहर में या वेव में भी यही चीजें चाहिए, हमको लोग चाहिए, मिशन का जज्बा चाहिए और पैसा चाहिए ताकि परमेश्वर का काम करें। हम किसी विदेशी, अमेरिकन, अफ्रीकन, किसी डॉलर, यूरोप की करेंसी के ऊपर हम निर्भर नहीं है। भारत का पैसा भारत को बचाएगा, विदेश का पैसा विदेश को बचाएगा। या मुझे पता है कि भारत में बहुत पैसा है, लेकिन दिक्कत की बात यह कि उनको पता नहीं कि कहां देना है। जहां सब दे रहे होते आप भी दे रहे होते, मूर्खता है ये। कुछ लोग पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि वो बड़ा पास्टर, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं, वो बड़ा पास्टर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है, बड़ा पास्टर आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वहीं पे भेजते रहते हैं आप। मूर्ख है सब, आप लोग मूर्ख हैं, या मैं सच कह रहा हूं, मूर्ख हैं आप लोग, क्योंकि प्रार्थना आपको खुद की फैमिली की करना है, उसको क्यों देते हो पैसा? अगर पैसा ज्यादा हो गया तो बेचारे मिशन के काम के लिए दो, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। अब इसको देखिए, दुनिया का सर्वोत्तम जाना पहचाना चिन्ह कौन सा है? ये बातों को रखकर आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, कौन सा चिन्ह है? अमेरिकन डॉलर है क्या वो? मैकडी जिसको कहते हैं मैकडोनल्ड, वो है? सॉफ्टवेयर विंडोज, इस्लामिक सिंबल, IBM जो कि कंप्यूटर का चिप, क्रूज का निशान, कोका कोला, सोनी कंपनी, या फिर ओलंपिक का सिंबल, इनमें फेमस कौन है? जी, जो मेरे करीबी हैं वो जानते हैं कि कौन है, क्या है। इसमें सबसे ज्यादा फेमस है आपका कोका कोला। कैन यू बिलीव दिस? कोका कोला की कुछ सच्चाई आपके बीच में रखता हूं, आपने शायद सुनी है कि नहीं सुनी, मुझे नहीं मालूम। कोका कोला की सच्चाई, 98% विश्व की आबादी इस चिन्ह को पहचानती है। प्रतिदिन 180 करोड़ कोका कोला की बॉटल, या जो भी आप कहो, कोल्ड ड्रिंक की बिक्री होती है 200 से भी अधिक देशों में। 10 लाख प्रति किलोमीटर प्रतिदिन, 10 लाख किलोमीटर प्रतिदिन कोका कोला का ट्रक सफर करता है, यानी कि ट्रैवल करता है, सफर करती है। यह है बिल्डिंग जहां सबसे पहला कोका कोला
या एक ऐसी जगह जहां पानी तो नहीं था लेकिन कोका कोला का बोर्ड दिखा, पहाड़ अंदर अंदर अंदर, इतना फेमस है कोका कोला। अब दो सवाल आपके बीच में रखूंगा। अगर कोका कोला 98% दुनिया की आबादी में केवल 150 साल में अगर फैल सकती है, ये देखो जब पहला कोका कोला बना था, पहला बिल्डिंग, तो यीशु का सुसमाचार 2000 सालों से भी अगर नहीं फैल रहा है तो इसका कारण कौन है? सुसमाचार नहीं फैल रहा है, इसका कारण कौन है? इसका कारण कौन है? वो लोग जो भेजते नहीं है, वो लोग जो दूसरों को पहुंचाते नहीं है। क्या इस पाप के प्रति पश्चाताप नहीं करना चाहिए और क्या गंभीरता से काम नहीं करना चाहिए? या अंतिम चुनौतियां, इसके बाद समाप्त करूंगा। अंतिम चुनौतियां, आप अपना बाकी का जीवन अब कैसे बिताओगे? इतना सब कुछ सुनने के बाद क्या आप अपने शहर के लिए जिम्मेदारी लेंगे? अंतर संस्कृति के लिए बुलावा प्राप्त करेंगे? यह लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं लिख रहा था, अगर प्रभु से प्यार है तो ऐसा दर्शन प्राप्त करें कि मरना लाभ हो। ऐसा दर्शन प्राप्त करें। तो आपके बीच में ये चुनौतियां रख रहा हूं, इतना सब कुछ सुनने के बाद आप क्या करोगे? क्या है आपका डिसीजन? जूम के लोगों से भी पूछूंगा, जिसके चलते मसीह मंथन, मैं डैनियल राज पूरी दुनिया में, भारत में तो काम कर रहा हूं लेकिन पूरी दुनिया में और पूरे भारत को ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, जहां से आप आकर मुझसे जितना बन पड़ता है टीचिंग, प्रीचिंग, एजुकेट करना बाइबल से, ये सब करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं या जब तक मेरी सांस चल रही है या जब तक दुनिया है, ठीक है ना? अगर मैं तब तक जिंदा रहा यीशु आने तक, मेरी तरफ से ये करता रहूंगा। लेकिन आपका काम है आप ये जज्बा प्राप्त करें, मिशन के लिए एक आग पैदा करें, एक तड़प पैदा करें। कब तक बैठे रहोगे घर में? कब तक बैठे रहोगे चर्च में? कब तक अपने आप को क्रिश्चियन बुलाते रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे और कहोगे कि मैं एक दिन स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा? याद रखो, विश्वास कर्म बिना बेकार है। एक्शंस एंड वर्ड्स हैज टू गो टुगेदर, दोनों को साथ में चलना होगा। तो मैं उन लड़कों को, लड़कियों को जिनकी उम्र 20, 25, 30, या फिर उन पुरुषों को शादीशुदा जो 40 के आसपास, मैं उन सबको और इवन बुड्ढा बुड्ढी सबको मैं चैलेंज देता हूं, जज्बा पैदा करो परमेश्वर का काम करने के लिए। दूसरों के राज्य में, अंतर संस्कृति में आप बुलावा प्राप्त करो, बैठो प्रभु के पास, बैठो प्रभु के पास, बोलो प्रभु मुझे क्या करना है, मैं कहां जाऊं, मैं सेवा करना चाहता हूं, कैसे करूं, सोशल मीडिया है, कैसे किसी को कॉल करूं, जूम पे किसी को बुला लूं, फेसबुक पे वीडियो बना लूं, यूट्यूब पे कुछ प्रचार कर लूं, कैसे करूं? पवित्र आत्मा लीड करिए। यह तड़प बहुत जरूरी है, यह तड़प बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे कहते कि डैनियल भाई आपको हम 5-6 साल से, या खास करके जब से लॉकडाउन चला तब से सुन रहे हैं, हमारा जीवन बदला, तो सोचो एक 5वीं क्लास 3 बार फेल ये आदमी अगर इतना प्रभाव डाल सकता है, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप क्या नहीं कर सकते? मैं फिर कहता हूं, आग पैदा करो, आग पैदा करो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं इस स्लाइड को दिखाते हुए कि एमएमबी मिशन और एमएमबी मिशनरी के लिए अगर आप देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं? खुद को क्या दे सकते हैं? आपके टैलेंट को क्या दे सकते हैं? आपके पैसे को क्या दे सकते हैं? आप वो सब कुछ जो मिशन के लिए काम आ सके। ये नंबर इसलिए दिया है ताकि आप इनको कॉल करें और आपका जो भी दान आप सपोर्ट कर सकते हैं मिशनरी के लिए, क्योंकि मैं वापस कहता हूं बहुत सारे मिशनरी हम भारत में मसीह मंथन की तरफ से अपॉइंट करना चाहते हैं, नियुक्त करना चाहते हैं। यह बात आपके बीच में रख रहा हूं। मसीह मंथन का वेबसाइट है, विजिट करिए। एमएमबी का ऐप है, एप्पल एंड्रॉयड दोनों के लिए। हमारा पेज है, मसीह मंथन का पेज है, और मेरा चैनल है यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब करें। तो इन बातों के साथ, ये स्लाइड के साथ एक प्रार्थना में समाप्त करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देता हूं प्रभु, के अद्भुत 45 एपिसोड
आपने अनुग्रह दिया कि मैं निकाल पाया या कर पाया। प्रभु ये आपका कृपा है, अनुग्रह है, ये मेरा कुछ नहीं है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ प्रभु जी मैं आपके लिए आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग अभी देख रहे, जितने भी लोग, उन सब के अंदर एक आग पैदा कर प्रभु, एक जज्बा पैदा कर प्रभु, पैशन पैदा कर, एक तड़प पैदा कर प्रभु जी, ताकि ये तेरे काम के लिए निकल सके। मैं जानता हूं आप ऐसा करोगे। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो जितने फेसबुक पर हैं, जूम के लोग नहीं जाना, जितने फेसबुक पे हैं आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि संडे का प्रीचिंग यानी कि दो दिन के बाद बहुत अद्भुत टॉपिक है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। याद रखिए 7:30 से 9:30 तक संडे का जो टाइम है ऑनलाइन चर्च, वो 7:30 से 9:30 तक का टाइम है। आप लोग जरूर जुड़िएगा। प्रभु आपका